हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और मेरे चैनल नेहाज आयुर्वेदिक टिप्स पर आपका स्वागत है। बहुत छोटे छोटे मगर कमाल के नुस्खे। नंबर एक, चेहरे पर फुंसी हो तो बर्फ का टुकड़ा मल लें। नंबर दो, खजूर खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हाजमा बिगड़ जाता है। नंबर तीन, तांबे के बर्तन में कभी भी घी को ना रखें। नंबर चार, सर में दर्द उठे या चक्कर आने लगे तो फौरन थोड़ा सा सफ़ेद जीरा मुंह में डाल लो, दर्द कैसा भी हो खत्म हो जाएगा। नंबर पाँच, अगर आपको थकावट महसूस होने लगे तो थोड़ा सा गुड़ खा लें, ये आपको आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। नंबर छः, हरी चाय मसूड़ों को मजबूत करती है। नंबर सात, गुड़ गर्म करके नाभि में मसल देने से पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। नंबर आठ, काजू खाने से दिमाग तेज होता है और नज़र भी तेज होती है। नंबर नौ, टांगों के दर्द या लिकोरिया को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए रोजाना तकरीबन 20 दिन तक सुबह के वक्त 7 बादाम खा लिया करें। नंबर दस, अगर पेट की कोई भी बीमारी हो तो घर में मसूर की दाल ज़्यादा खाया करें। नंबर ग्यारह, सरसों का तेल बालों को जल्दी सफ़ेद होने से रोकता है और बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं। नंबर 12, रात और दोपहर के खाने के बाद एक लहसुन खा लो, वजन तेजी से कम हो जाएगा। नंबर 13, शरीर की गर्मी से निजात पाने के लिए सत्तू का शरबत पी लिया करें। नंबर 14, खाना खाने के बाद शरीर में खून का बहाव कम होता है जिसकी वजह से नींद आने लगती है। नंबर 15, सीने में दर्द की दिक्कत हो तो अजवाइन की धूनी लेने से दर्द खत्म हो जाता है। नंबर 16, जो औरतें बूढ़ी नज़र आने लगे वो अनार के रस में दही शामिल करके पी लिया करें, जवान नज़र आने लगेंगी। नंबर 17, ठंडा पानी इंसान को जल्दी बीमार कर देता है। नंबर 18, रात की बची हुई रोटियों को फेंकने के बजाय सुबह के वक्त खा लिया करो, रात की बची हुई रोटी खाने से बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 19, पेट के बल सोने से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होता है। नंबर 20, अगर नाक बंद हो जाए तो गुड़ की धुनी लो। नंबर 21, ज़्यादा गर्म पानी से अपने चेहरे को ना धोएं, त्वचा जल्दी बूढ़ी नज़र आने लगती है। नंबर 22, अगर होठों का रंग बदला हुआ नज़र आता है तो यह आपकी सेहत के लिए खराब है। ऐसे होठों का मतलब है कि आपका लीवर कमज़ोर है और यह आवश्यकता से अधिक एवं कठिनाई पूर्वक कार्य कर रहा है। नंबर 23, बादाम का तेल नाभि में डालने से पेट धीरे धीरे कम होने लगता है। नंबर 24, जो रोजाना दही का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पेशाब में इन्फेक्शन नहीं होता है। नंबर 25, पेशाब करते वक्त जलन महसूस होती हो तो रोजाना लस्सी पिया करें। नंबर 26, देसी घी इस्तेमाल करने से आपका शरीर ताकतवर और मजबूत हो जाता है और जिस्म का दर्द भी दूर होता है। नंबर 27, भीगे हुए किशमिश के सेवन से आप अपने वजन को बढ़ा सकते हैं, साथ ही रोज किशमिश खाने से आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 28, प्याज की खुशबू सूंघने से दिल मजबूत होता है। नंबर 29, कच्चे आम के छिलकों का काढ़ा बनाकर 2 दिन तक 1-1 चम्मच पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नंबर 30, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 31, तेज चलने वाले व्यक्ति का शरीर कभी ढीला नहीं पड़ता है। नंबर 32, बालों में सूरजमुखी तेल की मालिश करें, बाल मुलायम और रेशमी होंगे। नंबर 33, रोजाना सुबह निहार मुंह नहाना चाहिए, खाली पेट सुबह नहाने से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नंबर 34, जो खाना खाकर नहाते हैं उन्हें जल्दी बुढ़ापा आता है। नंबर 35, लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करने से
बाल कम टूटते हैं और मजबूत रहते हैं। नंबर 36, बकरी के दूध के साथ बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है। नंबर 37, जिनकी उम्र 40 के करीब हो जाए उन्हें चुकंदर ज़्यादा खाना चाहिए। नंबर 38, ज़्यादा सोचने और टेंशन लेने वाले इंसान के चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी आ जाती हैं। नंबर 39, अगर आप पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं तो रोटी के साथ प्याज खाएं, पानी में नींबू डालकर पिएं, दिन में 2 बार ही खाना खाएं और रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी या गर्म दूध अवश्य पिएं। नंबर 40, जो लोग मोटापे का शिकार रहते हैं और उनकी टांगों में खिंचाव रहता है वो चावल बिल्कुल भी ना खाएं। नंबर 41, अखरोट खाने वाले इंसान को सांस की तकलीफ नहीं होती है। नंबर 42, हर जेवर और गहनों के डिब्बे में 1 चौक का टुकड़ा रख दें, इससे जेवर काले नहीं पड़ेंगे। नंबर 43, जो औरतें रोजाना रात को सोते समय दूध में शहद मिलाकर पीती हैं उनकी स्किन बहुत अच्छी रहती है और चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, जिससे वह हमेशा जवान नजर आती हैं। नंबर 44, नींबू के छिलके के पाउडर में नमक मिलाकर ब्रश करने से दांतों का पीलापन दूर होता है। नंबर 45, साग के अंदर मक्खन डालकर खाने से रात को बार बार पेशाब आना रुक जाएगा और यह बॉडी को एकदम फिट बनाता है। नंबर 46, सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके सर पर मालिश करने से बाल काले, लंबे और घने हो जाते हैं। नंबर 47, आयुर्वेद के अनुसार शहद और देसी घी को एक साथ लेने से पेट में जहर बन जाता है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए कभी भी शहद के साथ या शहद खाने के बाद देसी घी का सेवन ना करें। नंबर 48, दूध में शहद मिलाकर पीने से नजर बहुत तेजी से बढ़ती है। नंबर 49, मेथी का दाना खाने से सीने की तकलीफ और बलगम बनने की बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 50, अदरक वाला पानी पीने से शरीर में जमा हुआ खून चलने लगता है। नंबर 51, जिन लोगों को कमजोरी की दिक्कत हो जाए वो 1 गिलास दूध के अंदर इलायची के दाने उबालकर पी लिया करें, कमजोरी खत्म हो जाती है। नंबर 52, काम के दौरान नींद आए या सुस्ती पड़ जाती हो तो अदरक वाला पानी पियो। नंबर 53, जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो सुबह उठकर परिंदों को पीने के लिए ताजा पानी रख दिया करो। नंबर 54, अगर भूलने की बीमारी हो तो रोजाना आम का इस्तेमाल करें। नंबर 55, अगर आपको नींद नहीं आती हो तो सोने से पहले 1 गिलास दूध में शहद मिलाकर पिए, इससे अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 56, अगर आप मच्छर से ज़्यादा परेशान हैं तो कमरे में इलायची के छिलकों को रख दें, कमरे से मच्छर भाग जाएंगे। नंबर 57, सफ़ेद प्याज का रस बालों में लगाने से बालों का गिरना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आप मेरे नए वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।